हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आज एक इस वीडियो में एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, और वो बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट है आपका रिजल्ट को लेकर के। किसके लिए? रिजल्ट को लेकर के, और वो भी किस वैकेंसी के लिए, जो अभी आपका कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए मैंने अनुसेवक पद की प्रिपरेशन भी करवाई थी, है ना, तो उसी की, जिसमें से आपके अलग प्रकार के 10-10 पद से, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो जिसको भी नहीं पता है तो वो देखेंगे कि रिजल्ट आप कैसे देख सकते हैं, ऑफिशियली कैसे रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, इस बार मैं आपको एक एक स्टेप भी करके बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैं रिजल्ट देख नहीं पा रहा हूँ। जैसे सिलेबस आपका चेंज हुआ था एग्जाम होने से कुछ दिन पहले, तो कुछ लोगों का कमेंट आए थे कि सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कहाँ से मैं देखूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन, कहाँ से डाउनलोड करूँ, तो इसलिए मैं आपको इस बार करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको सिंपली गूगल में जाना है, और वहाँ पर क्या करना है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना है, और वो क्या है, आपको इतना गूगल में टाइप करना है सिर्फ UPVPSR। क्या टाइप करना है आपको? UPVPSR। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर लिख के आ रहा है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, और इससे आप क्या है ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे पढ़ने में कहना चाहूँगा, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, समझ में आती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना है, ठीक है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के एड्रेस पर, कौन से, इस पर upvpsr.org पर क्लिक करेंगे, उसी वैसे ही आप इस पर क्लिक करते हुए आप ऑफिशियल वेबसाइट के जो होम पेज है वहाँ पर आप लैंड कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियर विधान परिषद उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी जो आंसर कीज़ भी आई थी, बहुत से लोगों ने देखी भी होंगी, चेक भी की होंगी, आंसर कीज़ मिलाया भी होगा, तो अब आंसर कीज़ मिला ली, ठीक है, यहाँ पर आंसर कीज़ का भी दे रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट का दिया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर रिजल्ट 22 नवंबर 2020 एंड 29 नवंबर 2020 सभी पदों का परिणाम देखें, व्यू ऑल पोस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे रिजल्ट वाले पेज पर, व्यू रिजल्ट। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड अपना उठाना है, और वहाँ से क्या करना है, अपना रोल नंबर देखना है। रोल नंबर देखने के बाद आपने किस पद के लिए एग्ज़ाम दिया था वो देखना है आपका। उसके बाद अपनी DOB डालनी है और यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ना तो आपको कट ऑफ दिखेगी, ना तो आपको कट ऑफ दिखेगी, और ना ही आपको अपने नंबर दिखेंगे, ठीक है। अगर किसी को दिखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। हालांकि मेरी जानकारी के अनुसार ना तो आपको कट ऑफ दिखेगा, ना ही नंबर दिखेंगे, सिर्फ आपको दिखेगा कि एलिजिबल और या फिर नॉट एलिजिबल, या फिर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे सर इसमें धांधली हुई है या हुई है, तो उसका भी कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है, है ना, कोई ऑफिशियली आपके पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो उस बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस जिसका हो जाए वो भी कमेंट करे, जिसका ना हो, मतलब जिसका नहीं हुआ है, तो वो भी कमेंट करके बताए, या फिर अगर कट ऑफ दिख रही तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर नंबर दिख रहा है तो भी आपको हमारे कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो आप जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया फटाफट से जाकर के अपना एग्ज़ाम चेक करना है, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो जिनको भी अभी समझ में नहीं आया, कुछ अभी डाउट रह जा रहा है मन में, तो ज़रूर से वो पूछ सकते हैं। अच्छा, और अभी आपका सचिवालय से ही संबंधित विधानसभा की वैकेंसी आ चुकी है। किसकी? विधानसभा की। उसमें से अलग, उसमें भी अलग अलग प्रकार के 10 पद हैं, तो उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, एक आपका नोटिफिकेशन का और एक मैंने सिलेबस का कंप्लीट वीडियो बनाया है। जी हाँ, किसका? सिलेबस का भी वीडियो बना दिया है, तो उन दोनों वीडियो को भी जाकर के आप जरूर से देखें, ठीक है। उस वैकेंसी को लेकर के या इस वैकेंसी को लेकर के अभी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वैकेंसी की बात करें जिसका ये रिजल्ट आया है विधान परिषद उत्तर प्रदेश का, तो इसमें मेंस के लिए अब कितने लोगों को बुलाया जाएगा, तो कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आपका आया था, नोटिफिकेशन में बताया गया था कि मेंस के लिए 18 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। पहले कितना था? पहले
13 गुना लोगों को बुलाया जाना था, लेकिन अब कितने लोगों को बुलाया जाएगा, 18 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आपके भर्ती से रिलेटेड, तो फटाफट से जाकर के अपने चेक करिए रिजल्ट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर दिए। आपको जानकारी कैसी लगे हमें ज़रूर से पता, आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।